शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी। We disappointed young Muslims in this country to the extent that they decided that they would take the law into their own hands. First it happened in Kashmir, then it happened in different parts of India. Mr. Verma, सलमान खुर्शीद और लीडर के हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, पीएमओ उसमें लुक जाएंगे। और वंगार के कहता हूं उनको, मैं चैलेंज करके कहता हूं, यह हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है। पीएम हाउस जाने के लिए एमएस बिट्टा की लाशों पे गुजरना होगा। खालिस्तानी जानते हैं ना। देखो एक बात मैं आपको कह दूं, ये भारत मां धर्मशाला नहीं है। को बांग्लादेश से आ जाए, को नेपाल से आ जाए, को श्रीलंका से आ जाए, ठीक है ना। ये भारत एक राष्ट्र है। ये कुर्बानी और शहादतों से ये भारत मां सदा हुआ है, जिसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। आजादी का दिन आ रहा है, ये कुर्बानियों से भारत बना है। इसको कभी धर्मशाला नहीं बनने देंगे। हमारी बीएसएफ तैयार खड़ी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब वहां हिंदू धर्म के ऊपर हमला हो रहा है, हमारी बहनों के ऊपर, हमारी माओं के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर हमला हो रहा है, हमारे मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, हर आम व्यक्ति पे, हिंदुस्तानी पे, भारतीय पे हमला हो रहा है, तो हिंदुस्तान के राजनीतिक लोगों की चुप्पी क्यों? कुर्सी सत्ता के लिए इनको सबका वोट चाहिए। हिंदू का भी चाहिए, मुसलमान का भी चाहिए, सिख का भी चाहिए, ईसाई का भी चाहिए। किसी हद तक गिर जाते हैं, पर बांग्लादेश के अंदर हमारे मंदिरों पे हमले हों, हमारी बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो, तो उसके ऊपर सबकी आवाज चुप। और ये कहें हिंदुस्तान के अंदर चंद लीडर, मध्य प्रदेश का लीडर, उज्जैन का अपने आप को कहने वाला लीडर, एक्स मिनिस्टर मिस्टर वर्मा, सलमान खुर्शीद और लीडर के हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, पीएम हाउस में लुक जाएंगे। और वंगार के कहता हूं उनको, मैं चैलेंज करके कहता हूं, यह हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है। पीएम हाउस जाने के लिए एमएस बिट्टा की लाशों पे गुजरना होगा। खालिस्तानी जानते हैं ना। खालिस्तानी जब कहा था बनाएंगे, मैं कहा मेरी लाशों से गुजरना होगा। ये भारत है। कभी किसान आंदोलन से कोई आ जाए और लाल किला के ऊपर तिरंगे झंडे का अपमान कर दे, 15 अगस्त का दिन हो, राष्ट्रपति पीएम हाउस में घुसने की कोशिश करे, वो खालिस्तान के इशारों के ऊपर। आज हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के जिम्मेदार लोग, जो मिनिस्टर रह चुके, जो एमपी रह चुके, जिनके फादर जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे, आज वो ये कहेंगे कि वक्त ऐसा आएगा कि हम पीएम हाउस में घुस जाएंगे। इसलिए घुस जाएंगे आप कि राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। मैं बीजेपी का नहीं हूं, इसलिए घुसेंगे कि 370 धारा हटी, इसलिए घुसेंगे कि जवानों की शहादतें बंद हुई, इसलिए घुसेंगे कि दिवाली के दिनों के अंदर सरोजिनी नगर के अंदर माँ बाप बच्चों के पटाखे और मठियाई लेने जाते रहे, बम्बों से उनकी खून से लत पर बॉडी आती थी। ये हिंदुस्तान आज का बना। आप हिंदुस्तान को फिर उसी स्थिति पे लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान विश्व गुरु की तरफ जा रहा। आपकी राजनीतिक लड़ाइयां लड़ो, आप पार्लियामेंट में बोलो। आप फिर वो हालात बनाना चाहते हैं कि कल को राम जन्मभूमि पे हमला होगा। राम जन्मभूमि पे पाकिस्तान वालों से हमला हुआ था ना। राम जन्मभूमि पे हमला, अक्षरधाम पे हमला, रघुनाथ मंदिर पे हमला, मंदिरों पे हमले। किस मंदिर पे हमला हुआ मुझे बताइए। आप चाहते हैं, आपके बयान ये चाहते हैं कि राम जन्मभूमि पे, रामलला पे फिर हमले हों, रघुनाथ मंदिर पे फिर हमले हों। ये कभी नहीं बर्दाश्त होगा। मैं हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का देश है। ये लोग, ये जो नेता कुर्सी की खातर, सत्ता की खातर, जिनको कुर्सी और सत्ता प्यारी है, भूख है, इनको भारत माता के साथ, इनको राम जी के साथ, रामलला के साथ, इनको कोई मकसद नहीं है। इनका मकसद सामने दिखाई देता है। भाई बांग्लादेश के अंदर हिंदुस्तानियों के ऊपर अत्याचार, बहू बेटियों बहनों के ऊपर अत्याचार, मंदिरों के ऊपर हमले और जबान सबकी चुप। भारत के साथ गद्दारी, धर्म के साथ गद्दारी ये दिखाती है दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। कवि प्रदीप जी का गाना बार बार याद आता है, आजादी के वक्त जब गद्दारी करते थे ऐसे लोग, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। भारत मां से भी धोखा और राम से भी धोखा और अपने धर्म से भी धोखा। और दूसरा सवाल ये है, इंडरबन की रिपोर्ट जो है उस पर कह रही है, कांग्रेस कह रही है। कौन सी रिपोर्ट? ये है इंडरबन वाली है। ये क्या है, क्या है रिपोर्ट? ये इंडरबन रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि इस पे जो है लगे आरोपों के जेपीसी जांच। देखो जी, मैं पॉलिटिशियन थोड़ा हूं। राम सबसे बड़े, भारत मां सबसे बड़ी, जो हिंदू भाई समाज फंसा हुआ वो सबसे बड़ा। ये मेरा धंधा नहीं है, मैं राजनीतिक नहीं, राजनीतिक लोगों से सवाल पूछो। राष्ट्र के ऊपर सवाल पूछना है, 100 बार जवाब दूंगा।